जब भी चाइनीज रेसिपी की बात आती है तो मंचूरियन के बिना यह पूरा ही नहीं हो सकता। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से वेज मंचूरियन ग्रेवी वाली, वो भी इंडियन स्टाइल में, जो बच्चों का तो बहुत फेवरेट है ही, उसके साथ ही बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो बिना देर की रेसिपी शुरू करते हैं। मैं नीता आप सभी का स्वागत करती हूँ नीता इन द किचन में। रेसिपी शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी अच्छी डिलीशियस रेसिपी सबसे पहले ट्राई करने के लिए बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिए। वेज मंचूरियन के लिए सबसे पहले मंचूरियन बॉल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ ग्रेट किए हुए और चॉप की हुई वेजिटेबल्स चाहिए। तो मैंने बॉल के लिए लिया है ग्रेट किया हुआ आधा पत्ता गोभी जो 1 कप के बराबर है, फाइनली चॉप्ड गाजर, प्याज, बीन्स। आप इसमें और भी कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे आधा कप मैदा। जितना मैदा लिया है उतना ही हमें कॉर्नफ्लोर डालना है। 1 टीस्पून गरम मसाला, गरम मसाले से बिल्कुल ना रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरे मिर्च बारीक कट करके डाल रही हूँ, नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि जो वेजिटेबल्स मैंने यूज़ किए हैं उनसे ऑलरेडी पानी रिलीज होगा। अगर हम पानी ऐड कर देंगे तो इसका बॉल नहीं बनेगा अच्छा, क्योंकि ये डो गीला हो जाएगा। तो बिना पानी के ही एकदम बढ़िया सा डो बन गया है। कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल मीडियम गरम हो गया है। अब छोटे छोटे बॉल बनाकर इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारे बॉल फ्राई हो चुके हैं। अब ग्रेवी बना लेते हैं। जिस तेल में मैंने फ्राई किया था तो बचा हुआ जो तेल था उसमें से आधा मैंने निकाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा था। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चॉप्ड लहसुन, 1 टेबल स्पून चॉप्ड अदरक। इन सबको हल्का सौते करेंगे बिल्कुल भी लाइट ब्राउन होने तक। अब ये लाइट ब्राउन हो गया है। इसमें 3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और 1-2 बार इसे भी चला लेंगे। फिर स्क्वायर शेप में कटी हुई प्याज और कैप्सिकम और थोड़ी बारीक कटी हुई गाजर और बीन्स भी हम इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा कलर दिखता है ग्रेवी का, जिसपे छोटे छोटे चंकी चंकी वेजिटेबल्स दिखते हैं। अब इन सबको हल्का सौते करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है कि वेजीज का क्रंच बरकरार रहे। अब इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। तो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, 1.5 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस। अगर हमें कम लगा तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि डार्क सोया सॉस से ही ग्रेवी का कलर बढ़िया आता है। 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, यहाँ पे आप रेड चिल्ली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। बोल में ली रही हूँ 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें पानी डालकर स्लरी बना लेंगे। इसको हम डालेंगे ग्रेवी में, इसलिए पहले से मैं बना के रख ले रही हूँ। अब वेजीज में 1 टेबल स्पून सेजवान सॉस या सेजवान चटनी हम ऐड करेंगे और ग्रीन ऑनियन डालकर स्लरी भी डाल लेंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमें ग्रेवी बनाना है। अगर आपको ग्रेवी नहीं बनाना है तो यहाँ पे पानी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए ग्रेवी का परफेक्ट कलर मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून और सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। अब आ गया ना अच्छा परफेक्ट कलर होटल वाली मंचूरियन ग्रेवी की तरह। इसके तीखापन को एडजस्ट करने के लिए ऐड करेंगे 1 टीस्पून चीनी। इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल अच्छा आ गया है। 2 मिनट बॉयल आने के बाद ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कंसिस्टेंसी हो गया है। अब इसमें मंचूरियन बॉल्स को ऐड करके 2 मिनट तक और कुक करेंगे जिससे बॉल सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो गया है। कितना बढ़िया ग्रेवी मंचूरियन बन गया है, एकदम लाजवाब। अब गैस ऑफ कर देंगे
और इसे सर्व कर लेते हैं। मैं आपको एक मंचूरियन बॉल कट करके भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बना है ना। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए मेरे तरीके से। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा रेसिपी देख रहे हैं और बना रहे हैं तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तभी मुझे लगेगा कि आप मेरे रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं, आपको कितना पसंद आ रहा है। अगर अच्छा नहीं लगे तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से अगर अच्छा लगेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं कुछ और अच्छे तरीके से रेसिपी बनाने की ट्राई करूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना भूलिएगा नहीं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ एक और नए रेसिपी के साथ।